यूबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज सुरेश कुमार राजौरिया जी और ये नई दिल्ली म्यूनिसिपल जो यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं। और कहीं ना कहीं जो सुरेश जी हैं और उनकी जो यूनियन है सिरे से जो है वो एनडीएमसी कर्मचारियों की मांग उठाते आई है, उनकी मांग लड़ रही है, उनके लिए जो है अब फाइट जो है वो एक चरम पर है। सुरेश जी, एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। 66% पे आपने 66% की जो आपकी लड़ाई है वो सिरे से आपने जारी रखी हुई है और डिटेल का मामला जो है वो बहुत ही गर्माया हुआ है। कल आपने इस पर एक ड्राफ्ट भी जमा कर दिया है, तो हम जानना चाहते हैं कि अब क्या देरी है, कितनी और मशक्क़त करनी पड़ेगी, जो डिटेल है वो कर्मचारियों को कब से लगना चालू होगा। देखो, मेरा इसमें ये कहना है कि कल भी हमारी एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में हमारे माननीयवर बीएस भाटी साहब उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और डायरेक्टर पी और पी वन और टू वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने जो हमसे ड्राफ्ट मांगा था वो तो हमने डीटीएल के मामले में पहले ही दे दिया है, समय से पहले दे दिया था और उस ड्राफ्ट को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है और वो ये मानते हैं कि ये ड्राफ्ट सही है और इसके अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा करेंगे उसको हम लागू करवाने की कोशिश करेंगे। कल मीटिंग में भी यही तय हुआ। हमारे बहुत सारी यूनियन थी, संघर्ष समिति के लोग थे, हमारी यूनियन के भी लोग थे और जॉइंट एक्शन कमेटी के भी लोग थे, उसमें बीएस भाटी साहब को के जो यूनियन चलाते हैं अपने वो लोग भी थे हमारे साथ। सब ने एक मत होकर एक ही बात कही कि डीटीएल को एमएचए ना भेजा जाए, जिस पटल पर रखा है उसको यहीं से पहली मीटिंग में बुलाया जाए और उसको लागू किया जाए। और ये भाटी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसको पहली काउंसिल मीटिंग में लाएंगे और इसको पास करवा देंगे। तो अब हमें उम्मीद भी है और प्रशासन से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि शायद हमें 66% मिल जाएगा। तो मैं एक सवाल ले लेता हूँ कि आपने जो ड्राफ्ट दिया था उससे कितनी सहमति है अधिकारियों की, क्योंकि जो अब कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि भाई जो मेंबर हैं उस पर जब तक साइन नहीं हो, मोहर लगाएं, तब जाके वो काम आपका होगा, तो वो उस पर कितनी सहमति है कि ड्राफ्ट आपने दिया वो सही है, ठीक है और उस पर मोहर लगानी चाहिए। नहीं, उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपनी एक कमेटी बना दी है। अब उस कमेटी में 4-5 मेंबर हैं, वो जब वो मेंबर राजी हैं तो ऑलरेडी और मेंबर भी राजी हैं। जब हमारे चेयरपर्सन राजी हैं उस ड्राफ्ट से, क्योंकि हमने ये बजट बुक सारा लेखा जोखा उनको दे दिया और चेयरमैन साहब के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो समझ रहे थे बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात है, इसको वहीं के वहीं ख़त्म किया जा सकता है और उन्होंने मान भी लिया है इस बात को। और हमारे जितने भी वक्ता थे, यूनियन के प्रतिनिधि थे, सबकी सहमति से सब एक मंच पे एक हो गए हैं और सब ने एक ही बात कही है कि ये ठीक है जी और हम इससे सहमत हैं और ये भगवान ना चाहे तो सबको ये जल्दी से जल्दी इसकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। सुरेश जी, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। आरएमआर को के लिए एक मिनट्स बनाए गए थे, उसमें 2 हफ्ते का समय दिया गया था, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि 2 हफ्ते जो है वो 2 या 3 दिन में होने जा रहे हैं पूरे और कहीं ना कहीं जो है जो आपके कर्मचारी हैं उनकी सबकी निगाहें आपके ऊपर हैं कि अब क्या होने जा रहा है। देखो सर, उसमें आरएमआर का जो मुद्दा है, आरएमआर का मुद्दा भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बीएस भाटी साहब से भी हमने एक बात कही थी कि 3900 पद वो खुद अपनी जवान से मांगते हैं और हमारे पास जो आरएमआर हैं 5000 हैं, टोटल 5000 और 5000 जो पोस्टें हैं, खुद बीएस भाटी साहब कहते हैं कि 5000 पोस्टें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इसमें एमएचए भेजने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें तो सिर्फ एमएचए वहाँ स्केल लेने के लिए जाना है, जो स्केल सेटअप होंगे वो एमएचए से होंगे। उसमें भी हमने एक बात कह दी है कि वहाँ एमएचए लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो एनडीएमसी है वो ऑटोनॉमस बॉडी है, वहाँ ना जाके यहीं पहली मीटिंग में काउंसिल में लाएँ और उसको पारित कर दें और उसका जो आरएमआर के लोग हैं वो तुरंत प्रक्रिया से पक्के होने स्टार्ट हो जाएं। तो ये पूरा हमें उम्मीद है कि अब प्रशासन हमारे साथ कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं करेंगे और ये 5000 आदमी, टोटल 5000 आदमी हैं आरएमआर, ये सारे के सारे परमानेंट होंगे। ये जब परमानेंट होंगे तो इनको भी डिटेल जो है इनको भी मिलेगा, इनको भी डिटेल दिया जाएगा और इसीलिए तो ये एमएचए भेजना चाहते हैं, क्योंकि डीटीएल की प्रक्रिया जो ये एमएचए से अप्रूव कराना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कानूनी पेच हैं कि जिससे
कि इनको भेजना पड़ रहा है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि ऑटोनॉमस बॉडी में वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है, इसे यहाँ पटल पर लाएँ, काउंसिल में लगाएं और पास करें और इनकी प्रक्रिया शुरू कर दें। तो हो सकता है कि एक हफ्ते में, दो हफ्ते में ये प्रक्रिया परमानेंट की शुरू हो जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि जो आने वाली काउंसिल मीटिंग है उसमें जो आपकी मांगे हैं वो सारी की सारी जो है वहाँ पे मिनट्स बनाए जाएंगे, उन पे नोट बनेंगे, तो वो काउंसिल में मुद्दा उठ सकता है? हाँ बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। इसमें अभी जो मिनट्स बनेंगे, चेयरमैन साहब ने हमें खुद मिनट्स दिए बना के। हमारी पांच डिमांडें थी, एक तो हमारा था DTL, दूसरा था हमारा RMR और तीसरा था हमारा डेथ केस। डेथ केस में हमने ये कहा था चेयरमैन साहब को, मन कि सर 5% का कोटा तो वहाँ फिक्स होना चाहिए, ये तो दिल्ली नगर पालिका है, ये तो एक अटोमेंस बॉडी है, यहाँ कोई कोटा फिक्स नहीं होता, यहाँ तो आपके कर्मचारी आए दिन रेशो होता रहता है मरने वालों में, सबसे ज़्यादा रेशो नगर पालिका का है, क्योंकि आपको पता सब लोग गंदा काम करते हैं, चाहे ड्रेन वाले हैं, चाहे वो मलेरिया वाले हैं, चाहे वो झाड़ू वाले हैं, चाहे वो सीवर मैन हैं, जहाँ गंदे से गंदा काम किया जाता है। तो चेयरमैन साहब हमारी बात को मान गए और चेयरमैन साहब ने, हमने उनके सामने एक अरदास रखी कि भाई 5% का कोटा तो ख़त्म कर दो, जिनके ऊपर से इनके ऊपर कोई लागू नहीं होता 5% का कोटा, इनको आप सबको रेगुलर कर दो जी। कम से कम इनके घर का चूल्हा चौका तो चले जी। ये बेचारे रोते तो ना फिरें, दर दर भागते तो ना फिरें जी। आज जिसके घर में से एक परिवार का एक मुखिया चला जाए जी। उसके परिवार की हालत देखो सर जाके जी। आप आपको खुद पता चल जाएगा, किसी के रोटी नहीं है, कच्छे नहीं है, कपड़े नहीं है, बदतर हालत है। आप उनकी इंक्वायरी करके देखो ना कि क्या हाल बीत रहा उनके, यहाँ तक है कि उनके मकान भी बेचारे वो रोड़ों पर आ गए हैं लोग। तो मेरा तो यही प्रशासन से था, प्रशासन मान गया है और उन्होंने सबको सीधा RMR करने के लिए प्रतिक्रिया बना दी है। उन्होंने हमसे एक बात की कि भाई सबको RMR कर देंगे फिर ये कैसे होगा, मन के जी यहाँ RMR के लिए आउट ऑफ सोर्स हैं जो ठेकेदारी पे आपने काम दे रखे हैं, इन्हीं कर्मचारियों में से रख लो ना इनको जी। यही कर्मचारी आपका काम कर देंगे जी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी। जो आप ये कर्मचारियों को ठेकेदार हैं जी। कई कंपनियां हमारे NDMC में हावी हैं जी। जैसे RK जैन हैं, एक गरुड़ कंपनी है और बहुत सारी कंपनी लगी हुई हैं। दुख की बात यह है कि ठेकेदार कर्मचारियों को पूरा पैसा भी नहीं देते और प्लस में उनको NDMC टैक्स भी देती है। टैक्स का मतलब कमीशन 10% 15% कि जी ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही। अरे जितने पैसे तुम उनको दे रहे हो तो अपने कर्मचारियों को दे दो जी। तुम्हारे कर्मचारियों का तो भला होगा, तुम्हारे कर्मचारी आपको दुआ देंगे इस मामले में और उनकी रोजगार भी मिल जाएगा उनको और इसमें सरकार की भी वाह और आपकी भी वाह, तो दोनों हाथों में आपके लड्डू हैं। तो शायद चेयरमैन साहब इस बात के लिए भी राजी हो गए हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आउट ऑफ सोर्स है इसे बंद करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने माना है और उन्होंने ये हमें मिनट्स में बना के भी दिया है। अब 15 दिन का समय है सर हमारे पास, अगर 15 दिन में हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आती है या हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर चेयरमैन साहब के सामने खड़े होंगे, फिर अपनी गुहार लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में जो है हेल्थ यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, साथ में जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सुकाराम प्रधान भी हैं, ये भी पूर्व संयोजक हैं और ये हेल्थ की जितने भी यूनियन हैं पदाधिकारी हैं ये हमसे बात कर रहे हैं। तो सूरज जी एक मैं लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ कि अब क्या माना जाए, कितनी और देर, मतलब एक आस होती है आदमी को कि भाई कहीं ना कहीं मिनट्स बन गए हैं, सारी प्रतिक्रिया हो रही है सब, अब हर व्यक्ति जो है आप यूनियनों के ऊपर नज़रें गड़ाए हुए है, काउंसिल मीटिंग के ऊपर नज़रें गड़ाए हुए है, अधिकारियों के ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं, सबको आपने खुशखबरियां पहले दे दी हैं कि डेथ केसेस जो हैं वो RMR जो है चरमबद्ध तालिका तरीके से उनको किया जाएगा, RMR की प्रतिक्रिया भी आपने बता दी है कि किस तरह से उनका DTL अलाउंस भी जो है वो भी उनके साथ लगेगा, अब और कितनी देर? इसमें अभी मैं एक बात कहूँगा, अभी जो कल मीटिंग हुई है, हमारे जो महामहिम थे BS भाटी साहब मेंबर हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने जोड़ दे के, पूर्ण जोड़ दे के हमसे एक बात कही है कि मैं पहली मीटिंग में ही से करा के मानूंगा। अच्छा। तो हमें उनसे बहुत आशा है, उम्मीद है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि शायद पहली मीटिंग में ही ये हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
ऐसी कामना हम रखते। तो ये थे हमारे साथ में सुरेश कुमार रजौरिया जी, हमसे बात करिए। इन्होंने आज जो आरएमआर पे मिनट्स बने हैं, डीटीएल की समस्या थी, डेथ केसेस की समस्या थी, सबके लिए जो है लड़ाई ये लड़ रहे हैं, सिरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये अब मानते हैं कि आने वाली काउंसिल मीटिंग में जो है खुशखबरी कर्मचारियों को मिल सकती है। उसके लिए पुरजोर लड़ाई जो है इन्होंने लड़ी थी और वो सिरे पर जो है उस पर खड़े उतरे हैं। और अब देखना है कि अब कितनी देर और। तो कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, UBB न्यूज़, NDMC।